हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो उसी के आगे का है जो मैं कल नहीं डाल पाई हूँ, और क्योंकि थोड़ा सा काम हो गया था और एडिटिंग करने में टाइम भी लगता है, तो इसकी वजह से मैं बिल्कुल समय नहीं मिला, तो इसकी वजह से मैं वीडियो कल नहीं डाल पाई हूँ। तो ये उसी के आगे का वीडियो है जहाँ से मैंने ख़त्म किया हुआ था। तो पूजा हो गई थी हम लोगों की और सुबह के 10:30 या 11 बज रहे हैं, तो ये इतने समय की चाय है, सुबह की चाय अब इतने समय बनी हुई है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गया था। और यहाँ पे मैं बैंगन और लहसुन टमाटर ये सारी चीज़ें भूनने के लिए दे देती हूँ, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ आलू और बैंगन का भरता। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आलू मैं यहाँ पे बॉईल कर लूँगी। वैसे तो आलू भुनी जाती हैं बैंगन के भरते में, लेकिन ये बहुत छोटी आलू थी तो इसकी वजह से हमें लगा चलो मैं इनको बॉईल कर लेती हूँ, नहीं ऐसे क्या होगा ये भुनने में सारी आलू ख़त्म हो जाएंगी और जल भी जाती हैं तो फिर कुछ भी नहीं रह जाता है। और उधर मैंने रख दिया है आलू बॉईल होने के लिए, इधर मैं लगा लेती हूँ आटा। तो आटा आज थोड़ा सा बेसन है और थोड़ा सा आटा है, यानी कि आटा कुछ ज़्यादा है और बेसन उससे थोड़ा कम है, लेकिन बेसन भी है। और यहाँ पे मैं नमक डाल देती हूँ, तो इस नमक में लहसुन और धनिया और मिर्च यही सारी चीज़ें, जीरा सारी चीज़ें इसमें मिक्स हैं, तो सारी चीज़ें मैंने डाल के इसको अच्छे से मिलाया हुआ है। और बस इसमें अच्छा सा मैं आटा लगा लूँगी। तो यहाँ पे आटा हमारा लग के तैयार हो चुका है, इनको मैं रख दूँगी थोड़ी देर सेट होने के लिए। और इधर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे बैंगन भून रहे हैं, तो ये बैंगन यही भूनते हैं, हम तो नहीं वैसे भून पाते हैं, ये मतलब अच्छे से भून देते हैं। और एक बैंगन यहाँ पे ख़राब निकल गया था, वैसे तो दो ख़राब निकले हुए थे, जो छोटा वाला बैंगन था तो वो बिल्कुल ही ख़राब निकल गया था, तो उसको मैंने फेंक दिया है। और यहाँ पे टमाटर लहसुन इन्होंने भून दिए हैं और बैंगन अभी रह गए हैं, तो ये बैंगन भी भूनते रहेंगे। और यहाँ पर तब तक कि मैं इनको छील लेती हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे मैं टमाटर का छिलका जो है इसको निकाल देती हूँ, क्योंकि अभी गर्म है, थोड़ा सा ठंडा हुआ है, तो ऐसे ही निकाल के इनको रख दूँगी। और जो लहसुन भुना हुआ है इसके भी छिलके हमको निकालना है, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा भुना गया है, तो इसकी वजह से लहसुन के छिलके जो है आराम से निकल जाएंगे। तो ये देखिए इसी तरीके से मैं सारा लहसुन ऐसे ही छील के रख लूँगी। और इधर ये देखिए बैंगन भी हमारी काफ़ी हद तक पक चुके हैं, और ये दो भुट्टे रखे हुए थे तो इन्होंने कहा चलो भुट्टे भी भून लेता हूँ, क्योंकि आग चल रही है, फिर भुट्टों के लिए आग जलानी मुश्किल होती है, क्योंकि फिर आलस आ जाता है, इसकी वजह से आग चल रही है तो याद भी आ गया था, तो साथ ही साथ में भुट्टे भी भुन जाएंगे। तो बैंगन तो हमारे भुन चुके हैं अच्छे से। तो ये देखिए यहाँ पे सारे भुट्टे इन्होंने भून लिए, दो भुट्टे थे। और इधर मैंने कर ली है तैयारियाँ, और आलू भी हमारी पक चुके हैं, और आलू मैं इधर छील लेती हूँ। तो ये देखिए बैंगन और भुट्टे पक चुके हैं, तो बैंगन का छिलका भी अभी निकालना है, क्योंकि अभी काफ़ी गर्म है, तो बैंगन का छिलका मैंने निकाल दिया है। और इधर भुट्टों में ये नमक और नींबू लगा के खा रहे हैं और हमसे भी बोल रहे हैं खा लो, लेकिन मैंने सोचा चलो मैं ये काम पूरा ख़त्म करके तभी मैं खाऊंगी। और इधर आप लोग देख सकते हैं सारी तैयारियां मैं करके रखती है। और इधर ये देखिए फ्लिपकार्ट से आ गया है ये बॉक्स, टिफ़िन बॉक्स है, ये देखिए टिफ़िन है, तो ये खाना ले जाने वाला है, तो काफ़ी अच्छा है, तो हमने सोचा चलो आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। तो ये देखिए इसमें जो डब्बे हैं काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि इनमें से सब्जी दाल कुछ भी नहीं बाहर आएगी, और जैसे डाल दो वैसे ही ये रहेगी, क्योंकि हमारे पास और भी हैं, एक आधे टिफ़िन जो है इसी तरीके के हैं, वो बहुत अच्छे हैं, इसकी वजह से मैंने यही मंगवा लिए थे। और ये देखिए यहाँ पे मैं फिर से किचन में आ गई हूँ, तो यहाँ पे मैंने जीरा और मेथी, हींग, प्याज ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हुई है, और इनको मैं अच्छे से पकाऊँगी। तो ये देखिए हमारी सारी चीज़ें पक चुकी हैं, और लहसुन तो वैसे भी हमारा पका हुआ था इसीलिए मैंने उसको बाद में ऐड किया हुआ है। और उसके बाद में मैंने एक टमाटर काट के डाल दिया है, क्योंकि जो टमाटर भुने हुए थे उसमें से एक टमाटर ख़राब निकल गया था, तो उसको मैंने फेंक दिया था, नहीं तो ऐसे टमाटर नहीं डालना पड़ता। और धनिया और हल्दी, नमक की सारी चीज़ें मैंने डाल के इनको अच्छे से पकाना है हमको। तो ये देखिए
यहाँ पे बैंगन का भरता, जो बैंगन आलू एक ही में मिक्स है और टमाटर भी एक बचा हुआ था उसको भी मैंने मिक्स कर दिया था, और इसको मैं अच्छे से मिलाऊंगी। उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक मैगी मसाला लिया हुआ है, उसको भी मैं डाल देती हूँ क्योंकि इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। और मैं इसको अच्छे से बस ऐसे मिलाऊंगी, और देख सकते हैं आप लोग काफ़ी अच्छा हमारा बैंगन का भरता लग रहा है। गाँव के तरीके मैंने बनाया हुआ है, गाँव में हम लोग ऐसे ही बना के खाते थे, और बस इधर मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। और उसके बाद में मैंने भरता बनने के बाद में जब पक गया था, मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया हुआ था। और ये देखिए यहाँ पे बेसन और आटे की रोटियाँ मैं बनाए लेती हूँ। इस तरीके से बैंगन के भरते के साथ रोटियाँ काफ़ी अच्छी लगती हैं। और उसके बाद में रोटी हमारी बनके रेडी हो गई है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा घी लगा देती हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए बैंगन का भरता और रोटी खाने के लिए, और आप लोग बताना कि ये बैंगन की रेसिपी हमारी कैसी लगी, क्योंकि गांव की स्टाइल में मैंने बनाया हुआ है। गांव में हम लोग ऐसे ही चूल्हे पे बनाया करते थे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं सबके लिए खाना लगा देती हूँ, क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है और आज का दिन काम ही काम में निकल गया है, बिल्कुल नहीं टाइम मिला है, थोड़ी देर के लिए भी आराम करने को नहीं मिला हुआ है। और भूख भी बहुत ज़ोरों से लगी है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, और उसके बाद में खाना पीना हम लोगों का हो गया था। फिर मैं यहाँ पे लगाए दे रही हूँ झाड़ू, क्योंकि जब सारा काम हो जाता है तब इतनी टेंशन नहीं रहती है, फिर आराम आराम से आराम करते रहो, नहीं ऐसे आराम भी करने को चैन से नहीं मिलता है, बस यही लगा रहता है कि नहीं अभी काम करना है, हमको काम करना है, तो सारी टेंशन काम पे ही लगी रहती है। तो इसकी वजह से हमें लगा कि चलो मैं सारे काम निपटा के तभी मैं आराम करूँगी। और उसके बाद में मैंने थोड़ा सा आराम किया हुआ था। और ये देखिए ये शाम हो गई थी, तो यहाँ पे मलाई रखी हुई थी, तो ये थोड़े काफ़ी दिनों की मलाई हो गई, इतने दिनों की भी नहीं हुई है लेकिन फिर भी काफ़ी दिन हो गए हैं। तो हमें लगा चलो मैं इसका मक्खन भी आज निकाल लेती हूँ, नहीं तो फिर भूल जाएंगे, तो फिर टाइम ख़त्म हो जाएगा इसका, फिर इसका समय नहीं आएगा, इससे अच्छा मैं अभी अभी निकाल लेती हूँ, क्योंकि जो काम करना हो तो तुरंत कर लो, नहीं तो फिर रह जाता है। ये देखिए गाय के दूध का मक्खन है, कितना अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो हमारा कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ऐसे ही मैं सारा मक्खन निकाल लूँगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके मैंने निकाला हुआ है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।